दोस्तों आप सबका स्वागत है और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं फिल्म बदला। बदला 2019 की एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, डायरेक्टेड बाय सुजय घोष। तो ये फिल्म 2017 की स्पेनिश फिल्म द इनविजिबल गेस्ट का रीमेक है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे डिटेल्स में। और सबसे पहले हम इस फिल्म के बारे में बात करते हैं, जो मैंने देखा, मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ इस फिल्म को देखने के बाद में। जैसे कि ये फिल्म एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और साथ ही मर्डर मिस्ट्री भी है, तो इस वजह से मैं इस फिल्म की कहानी आप सबके सामने रिवील नहीं करूँगा। बात करते हैं पूरी फिल्म की, तो पूरी फिल्म की कहानी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है। शुरू से लेकर अंत तक आपका फिल्म में इंटरेस्ट बना रहता है, कहीं भी इंटरेस्ट घटता नहीं है। और फिल्म में आपको जिस तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं, आप बिल्कुल उसी तरीके से देखते जाते हो। मतलब एक तरह से आप अंदाज़ा लगाना छोड़ देते हो कि अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप वो नहीं सोचते, बल्कि कैरेक्टर्स आपको जो भी सारी चीज़ें बताते जाते हैं, आप उन पर यकीन करते जाते हो और आप उनको ही फॉलो करते जाते हो। तो ये काफ़ी कमाल था इस फिल्म में जो मैंने देखा, और मैं बिल्कुल वही देख रहा था जो वो फिल्म में एक्चुअल में दिखा रहे थे। तो ये फिल्म की मुझे बहुत ही खास बात लगी, आपको अलग एक्सपीरियंस देती है, और साथ में इसका प्रेजेंटेशन भी बहुत ही कमाल का है। फिल्म के अंदर जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं, उनको भले ही सबको प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया हो, लेकिन फिर भी जिसको जितना भी टाइम दिया गया है फिल्म के अंदर, सब ने अपना अपना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, इसमें कोई शक नहीं। और फिल्म के जो स्टार कास्ट है वो सारे के सारे बड़े एक्टर तो हैं ही, और साथ में बड़े एक्टर होने के नाते जिस तरह का परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमें पूरी तरह से संतुष्ट करता है फिल्म देखने के दौरान। और फिल्म की शुरुआत में आपके लिए अमिताभ बच्चन की तरफ से एक सरप्राइज भी है जो आपको पसंद आएगा, और साथ ही जो पूरी फिल्म है आपको वो भी बहुत ही पसंद आएगी। फिल्म बहुत ही बढ़िया है और आपको एक बार ये फिल्म ज़रूर देखनी ही चाहिए, और कम से कम अमिताभ बच्चन के लिए ये फिल्म आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अब बात करते हैं जो मैं पहले बात कर रहा था रीमेक की, तो अगर ये फिल्म रीमेक नहीं होती, ओरिजिनल फिल्म होती, तो मैं इस फिल्म को और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करता। तो जब मैं रिव्यू बनाने का सोच रहा था, तो मैंने इस फिल्म को 10 out of 10 स्टार देने का सोचा था, लेकिन जब मैंने इंटरनेट पर सर्च किया इस फिल्म के बारे में, तो जब मुझे पता चला कि ये फिल्म रीमेक है, तो मैंने सोचा कि भाई जब क्रेडिट देना ही है तो फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है, जो स्पेनिश मूवी है द इनविजिबल गेस्ट, उसको ही देना चाहिए। क्योंकि अगर वो फिल्म अच्छी नहीं होती, अगर वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती, तो शायद बॉलीवुड उसका रीमेक तो बनाता नहीं, सीधी सी बात है। तो उस वजह से बात करते हैं रेटिंग की, तो मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10 स्टार। बाकी अगर ये फिल्म रीमेक नहीं होती, तो मैं इस फिल्म को पक्का पक्का 10 out of 10 स्टार देता, इसमें कोई शक नहीं। बस ये फिल्म रीमेक थी, इस वजह से मैंने इस फिल्म को कम रेटिंग दिया है। आपको एक बात बताना तो रह गया था कि फिल्म का जो एंडिंग था वो काफ़ी शॉकिंग था, लेकिन हम उस एंडिंग पर इतना यकीन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर के बारे में मैं आपको डिटेल्स नहीं दूंगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन उस कैरेक्टर के बारे में पहले हमको कोई भी ऐसी बात बताई ही नहीं गई थी जिस वजह से हम इस कैरेक्टर की इस चीज़ पर हम यकीन कर पाएँ। तो इस वजह से वो सीन मुझे इतना हजम नहीं हुआ। बाकी आप इस शॉकिंग एंडिंग के बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फिल्म का मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा था, जो कि बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि आजकल के ट्रेलर में तो पूरी कहानी रिवील कर दी जाती है। तो फिल्म मैंने बिना एक्सपेक्टेशन के देखा था और फिल्म ने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया, तो ये तो एक अच्छी बात थी मेरे लिए। फिल्म देखने का मैंने पूरा आनंद लिया और फिल्म ने मुझे सेटिस्फाई किया, संतुष्ट किया, ये तो मैं बोल ही सकता हूँ। बाकी दोस्तों आपके अपने क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे नए मूवी के रिव्यू के साथ। जोहार।